जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसके बराबर वाई ऑफ वन इक्वल टू आपके पास वन के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास क्या रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग वाई इक्वल टू आपके पास के बराबर दे रखा है। आपके पास कौन सा वैल्यू आपके पास एक्स का ई बना दे। तो चलिए सबसे पहले आपके पास फंक्शन बताइए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू किस बराबर दे रखा है एक्स वाई, और अपॉन में किस बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टाइम वाई स्क्वायर। ऐसे भी आपके पास ये दिख रहा है कौन से डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन से तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से आपके पास बराबर लिख सकते हैं वाई को आपके पास किस बराबर लिखना है तो वी, सही। यहाँ से आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं तो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये सब तो आपको रटा ही होना चाहिए, ये सब बताने की जरूरत है नहीं। यहाँ से आ गया आपके पास वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर, यहाँ से बताइए इक्वल टू आ गया आपके पास किस बराबर तो वाई को आपके पास वी एक्स के बराबर, तो ये आ गया वी एक्स स्क्वायर के बराबर। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ जाएंगे प्लस टाइम्स आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपके पास कुछ पार्ट कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के कैंसिल। यहाँ से आ गया आपके पास वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया आपके पास वी अपॉन में वन प्लस वी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसको आपके पास हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो क्या आपके पास डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया आपके पास वी अपॉन में वन प्लस वी स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स वी। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर और इक्वल टू आ गया आपके पास वन माइनस टाइम्स वी और माइनस टाइम्स आपके पास टू के बराबर। देख लो आपके पास ये आपके पास वन नहीं है बल्कि वी, ठीक है, और अपॉन में आ गया आपके पास वन प्लस वी स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं सही है। अब आपके पास ये वी और ये वी गया, ठीक है, तो आपके पास बचा क्या तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस टाइम्स वी और अपॉन में वी स्क्वायर के बराबर, वी स्क्वायर के बराबर नहीं बल्कि आपके पास वन प्लस वी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से आपके पास क्या कीजिए वेरिएबल सेपरेबल, अब आपके पास जैसे ही सेपरेट करेंगे तो यहाँ से आ गया आपके पास वन प्लस वी स्क्वायर के बराबर और अपॉन में वी क्यू के बराबर, माइनस को हम उधर ही लिख देते हैं, ये आ गया डी एक्स अपॉन एक्स के बराबर। ये आ गया आपके पास, इधर भी इंटीग्रेट कर लेते हैं वी के रिस्पेक्ट, फिर इस पर इधर और इधर आपके पास वी। यहाँ से आपके पास बताइए इसको सेपरेट कीजिए तो वन अपॉन वी क्यू के बराबर और प्लस टाइम्स आपके पास आ जाएंगे वन अपॉन वी और ये आ गया आपके पास डी वी के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स एल एन मॉड एक्स। हाँ या ना, यहाँ पर जगह ही नहीं इसको आपके पास इंटीग्रेट करने के लिए, इधर लीजिए। यहाँ से आ गया आपके पास वन अपॉन वी क्यू के बराबर और माइनस टाइम्स आपके पास वन अपॉन में वी के बराबर, वी या वी स्क्वायर है, वन अपॉन में आपके पास वी के बराबर और वी के प्लस है और इसको आपके पास वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इधर आपके पास इंटीग्रेशन के साथ तो आएंगे और माइनस टाइम्स आपके पास किस बराबर एल एन मॉड एक्स के बराबर। बताइए यहाँ से आपके पास इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी क्यू किया गया आपके पास माइनस टाइम्स थ्री किया गया आपके पास माइनस टाइम्स वन अपॉन में थ्री वी स्क्वायर के बराबर, वी स्क्वायर नहीं बल्कि आपके पास वन अपॉन में टू वी स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स किया गया आपके पास एल एन मॉड वी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, एल एन मॉड वी कहाँ से आएंगे इसको आपके पास इंटीग्रेट वन अपॉन एक्स तो यह आ गया आपके पास एल एन मॉड वी के बराबर और इक्वल टू आ गया किसके बराबर एल एन मॉड एक्स के बराबर माइनस टाइम्स और यह आ गया प्लस टाइम्स कॉन्स्टेंट्स क्या गया आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ करवा गया, ठीक है। वी के जगह आपके पास वैल्यू पुट कीजिए, वी के जगह जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे या अगर वी के जगह आपके पास वाई अपॉन एक्स पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया आपके पास माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और अपॉन में टू वाई स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स एल एन वाई अपॉन के बराबर और इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स एल एन मॉड एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये अब आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ के बराबर आ गया, जनरल इक्वेशन आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आपके पास बताओ एक्स की जगह आपके पास वन पुट करेंगे तो वाई भी आपके पास वन है। यहाँ से आपके पास क्या कीजिए एक्स इक्वल टू वन पुट करते हैं, वाई भी आपके पास इसके बराबर वन है। जैसे आपके पास वन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे तो ये आ गया आपके पास माइनस वन अपॉन टू के बराबर प्लस टाइम्स जीरो और ये आ गया आपके पास इक्वल टू जीरो प्लस टाइम्स सी के बराबर। सी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगे माइनस वन बाई टू। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सी का वैल्यू जैसे आपके पास वन बाई टू आ गया इसको हम कॉपी कर लें, ठीक है, ये आ गया आपके पास इधर भेज दीजिए बस चलो नीचे, ठीक है, ये आ गया आपके पास बताओ इसको आपके पास इरेज कर दो, ये आ गया आपके पास इरेज हो गया। सी का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएंगे यहाँ से आपके पास माइनस वन बाई सी इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस वन बाई टू, बताइए माइनस वन बाई टू के बराबर। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या करा है, अगर आपके पास ई वाई अगर ई डालते हैं तो एक्स आपके पास किसके बराबर होगा, वाई अगर आपके पास ई डालते हैं तो एक्स आपके पास किसके बराबर होगा, तो यहाँ से आपके पास वाई का ई चलिए सॉल्व करना है क्या तरीके से बताओ थोड़े बहुत तो सॉल्व करने पड़ेंगे। माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन में टू वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे प्लस टाइम्स एल एन मॉड वाई और माइनस टाइम्स एल एन
मॉड एक्स के बराबर इक्वल टू हो गया माइनस टाइम्स एल एन मॉड एक्स के बराबर माइनस टाइम्स 1/2, ये और ये तो गया ठीक है। तो आपने पास वाई की जगह ई डालो, तो जैसे आपने के पास ये आपने पास क्या गया आ गया, जगह आपने के पास क्या करा वाई की जगह ई डालो तो एक्स, जैसे आपने पास वाई की जगह हम क्या डाल दें ई डाल दें, जैसे ई डालेंगे तो यह आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर ठीक है। यहाँ पर आपने पास जगह नहीं, यहाँ से आपने पास एक्स का वैल्यू बतानी ठीक है, क्या गया माइनस टाइम्स एक्स अपॉन में 2e² के बराबर इक्वल टू आपने पास किस बराबर जाएंगे तो यह गया माइनस टाइम्स 3/2 के बराबर, थोड़े बहुत तो आपको सॉल्व करने ये और ये गया। जैसे आपने पास x² इक्वल टू किस बराबर जाएंगे स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय आपने पास 3/2, ये दोनों आपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर और इंटू आपने पास किस बराबर है 3 के बराबर और प्लस माइनस यहाँ पर मतलब यहाँ से आपने पास x का वैल्यू आपने पास यहाँ पर बताने अब प्लस वाली आंसर दें आपने पास प्लस ही वाले आंसर x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3e के बराबर, यही आपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर x इक्वल टू आपने पास स्क्वायर रूट ऑफ रूट ऑप्शन नंबर आपने के पास ऑप्शन नंबर आगरा क्या आ जाएंगे इनके। ये थे आपने जेई मेंस के 9 जनवरी 2020 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बनाकर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड बाय।